सभी गाइस वेलकम टू तहराम व्लॉग्स गाइस। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि हमारा पहला व्लॉग था वो ख़त्म हो गया वहीं पर, तो आज हम आपको फूड के बारे में बताने वाले हैं गाइस। तुर्किश का जो फूड है कोफ्ता होता है, सब लोगों को पता होगा कोफ्ते के बारे में। तो आज देखते हैं कि गाइस तुर्की का कोफ्ता कैसा है, मतलब उसका जो लज्जत है, उसका जो मतलब मज़ा है वो कैसा है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं गाइस। तो खाकर दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है और क्या डालते हैं इसमें कि इसका लज्जत अच्छा और अच्छा होता जाता है। तो गाइस पहले हम एक अच्छा सा व्यू आपको दिखाएंगे। पहले तो हम आपके लिए एक अच्छा सा व्यू दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना बहुत खूबसूरत है, व्यू भी दिखाएँ तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यू अच्छा लगे। तो चलते हैं व्यू दिखाते हैं, उसके बाद फिर गाइस एक और भी व्यू है वो भी गौर करें, देखें कैसा है। चलते तो आगे भी खूबसूरत है, सामने जो नज़ारा दिख रहा है गाइस वो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जैसे कि पहाड़ों में देख रहे हो सारा एकदम ग्रीन और ग्रीन हो रहा है, वहाँ पे भी घर बने हुए देखो आजकल पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, मतलब पहाड़ों में उतने घर नहीं दिखते जैसे कि जितने यहाँ पर दिखते हैं। अफगानिस्तान में तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, ऊपर पहाड़ी में बहुत घर वगैरह होते रहते हैं, पर यहाँ पर तो एक अलग ही समा होता है, एक अलग ही खूबसूरती होता है यहाँ का। जैसे कि आप सामने देख रहे हो वो लाल वाला जो कमरा है ना, वो लाल वाला कमरा, वो लाल वाला जो रूम वो घर है देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता आपको भी आना चाहिए यहाँ पर और विज़िट करना चाहिए या आपको यहाँ पर घर लेना चाहिए? तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब और अपना कमेंट अगर नहीं करना है तो पहले से बता दो, पर करना तो पड़ेगा, मुझे पता है वो कर ही लोगे क्योंकि सपोर्ट तो ज़रूरी है गाइस। अगर नहीं करना है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। चले गाइस मजाक हंसी मजाक तो होता रहता है गाइस। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, हम आपको दिखाएंगे कि इनका जो खाना है कैसा है, मतलब उनका मज़ा कैसा है। तो चल के दिखाते हैं गाइस, देखते हैं कि स्पाइसी है, ये लोग नॉर्मल खाते हैं उतना भी, मुझे मैंने अपना इंफॉर्मेशन खोल के रखे हैं कि शायद उतना भी स्पाइसी ना हो, क्योंकि कुछ लोग उतना स्पाइसी नहीं खाते, ये लोग नॉर्मल चीज़ें खाते हैं स्पाइसी नहीं करते हैं। तो चल के देखते हैं गाइस। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है, यहाँ पे सब कुछ खाली खाली पड़ा हुआ है, आप लोग जैसे देख रहे हो टेबल तो वैसे भी खा ही नहीं सकते गाइस। तो वो आएगा मतलब अभी आप जैसे करके आपको बताएंगे कि मतलब यहाँ का कोफ्ता कैसा है, उसमें मज़ा है कि नहीं है। तो चले देखते हैं गाइस, तब तक खाना आता है तो फिर हम वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो कोफ्ता है वो कैसे। तो गाइस जैसे कि हमने आपको वीडियो में कहा कि आज हम कोफ्ता खाने वाले हैं, तो देखते हैं कि इसका जो जायका है वो कैसा है। तो चलिए देखते हैं, चेक करके बताते हैं कि कैसा जायका है। मैं थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है क्योंकि मेरा पहला बार है ना, तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, नॉर्मल है। चलिए देखते हैं, अब नज़दीक से आके देखिए इसको, इसके अंदर अभी तो फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे ख्याल में कुछ उन्होंने कुछ इंक्लूड किया होगा, कुछ मसाला वगैरह या कुछ, बट बहुत ही नरम और बहुत ही आला दर्जे का कोफ्ता आया है। तो चल के देखते हैं गाइस, मुझे भी पता है आपके मुंह भी पानी आ रहा है, अभी ये खा के मैं बताता हूँ आपको। वाकई में बहुत मज़े का है गाइस, इसका जो जायका है वो बहुत मज़े का है गाइस, वाकई में। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो वायरल हो वगैरह, पर इसका सच में जायका मज़े का है, और आप आके टेस्ट कीजिएगा, तुर्की में ही है। तो चलिए देखते हैं, इंशाल्लाह आपको हमारा व्लॉग्स अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हम रेस्टोरेंट से बाहर हैं, यह रेस्टोरेंट था हम आए थे, तो काफ़ी खूबसूरत था, एक अलग ही नज़ारा था गाइस। और यहाँ पे तरह तरह के गाड़ी है, और यहाँ का जो व्यू तो वो अलग ही बात है भाई, कितना साफ व्यू देख रहे हो आप गाइस। अभी हम आए हैं
पहाड़ के ऊपर चल के थोड़ा जूम करके देखते हैं गाइस, ये नज़ारा काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से। चले अभी सो गाइज, फाइनली हम घर पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइज। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।